सबसे पहला सवाल आपके राज्य से ही है, फ्राइडे नमाज की जो छुट्टी का टाइम था वो रिड्यूस हुआ है। देखिए, हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे MLAs ने रूल कमिटी में बैठा और ये अननिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूँगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे, काल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के बड़े बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और एक खास वर्ग को खुश रखने के लिए ये सारी कवायद आपकी तरफ से। देखिए, ये तो जो डिसीशन हुआ उस डिसीशन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे, ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। आसाम के जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं, ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोग गोने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी CA NRC का आ जाता है बिल, किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आजादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाजत है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में। असम के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सरकार का निर्णय है वो निश्चित रूप से देश के संविधान की मूल प्रस्तावना के खिलाफ है। हर एक धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनको अपना अपनी राय अपनी परंपरा को जीवंत रखने का अधिकार है। तो माननीय हेमंत शर्मा जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आपने शुक्रवार के दिन रमज़ान के दिन होने वाली छुट्टी पर तो आप रोक लगा रहे हैं और कहते हैं कि इससे कार्य क्षमता बढ़ेगा, तो हिंदू धर्म की प्रथा का एक बड़ा हिस्सा है जहाँ से आप संभवतः विधायक हैं, माँ कामाख्या का मंदिर है, प्रत्येक दिन बलि होता है तो पट खुलता है, तो जरा बलि प्रथा पर रोक लगा दीजिए तो कितना बड़ा प्रतिकार का आपको सामना करना पड़ेगा। भाई, धार्मिक मान्यताओं पर हमला करने का किसी को अधिकार नहीं है, उसको अपने जीने का खाने का रहने का सबको अपना अधिकार है। और इससे बेहतर यह होगा कि जिस मान्यता की आप वकालत करते हैं वहाँ लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले जाएं, उन लोगों की जीवन दशा बदल जाए, बाढ़ का सामना असम को नहीं करना पड़े, तो इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते तो ज़्यादा बेहतर होता। दिस इज ए बहुत ही घिनौना एक फैसला है जिसको दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर है और हिंदुस्तान में जितना सांप्रदायिक लोग है सबसे घिनौना माइनॉरिटी हेटर वो है हेमंत विश्व शर्मा। वो मुंह जब खुलते हैं उसके मुंह से माइनॉरिटी के खिलाफ जहर निकालता है और वो देश के लिए खतरनाक है। ये देश विरोधी मानसिकता है, भारतवर्ष की एकता विरोधी मानसिकता है, संविधान विरोधी मानसिकता है। तो इस तरह का देशद्रोही बात करके माइनॉरिटी को हर तरह खत्म करने का जो साजिश है वो उसका वो वन ऑफ द दैट उसी में एक है जो ये साजिश रच रहा है RSS के निर्देश में हिंदुस्तान में माइनॉरिटी को खत्म करने के, इसका वही जो योजना है उस योजना का एक हिस्सा है। आपको असेंबली में नहीं लिया है, ये डिसीजन लिया BSE में लिया है, जो हम लोग का असेंबली केसेस चल रहा है उसका रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रोसीड्यूर है, बिजनेस प्रोसीड्यूर जो है उसमें लाया है। एक्चुअली क्या हुआ, देखिए ये जो आज जो सडनली उन लोग डिसीजन लिया है जो आपको हर शुक्रवार को, हर गुरुवार को, आपको हर फ्राइडे को आपको 1 घंटा 2 घंटा हम लोग को टाइम मिलता था प्रेयर के लिए, ये तो आपको फ्रॉम 1936 आई थिंक इट इज 90 ईयर्स ऑलरेडी बीन पास्ट एंड फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन आपको सार सादुल्ला साहब ने इसको लाया था उसी टाइम से शुरू हुआ, अभी तक 90 ईयर्स हो गया। बीच में आपको गोपीनाथ प्रसाद गोपीनाथ बरदोली चीफ मिनिस्टर था,
उनका भी कोई तकलीफ नहीं हुआ उस टाइम में। आपको विमला प्रसाद चौलिया भी आए, उसका भी तकलीफ नहीं आया, हितेश्वर की का भी तकलीफ नहीं हुआ, आपको प्रफुल्ल गौर महंत साहब 10 ईयर्स चीफ मिनिस्टर उनका भी तकलीफ नहीं हुआ, आपको लास्ट है आपको तरुण गोगोई साहब का 15 ईयर्स उनके भी कोई तकलीफ नहीं हुआ था, लास्ट सर्वानंद सोनोवाल ऑनरेबल सोनोवाल उनका भी कोई तकलीफ नहीं हुआ, बीजेपी का गवर्नमेंट था तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन हम लोग का जो अभी चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा का क्या तकलीफ है पता नहीं है, लेकिन लगता है जो मुसलमान का जहां आपको रिलीजियस में तो जहां कुछ मुस्लिम नाम मिटाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, बात यही है। लेकिन आप ये सोच मत सोचिए ये जो ट्रेडिशन है हाउस का, ये ट्रेडिशन आप ब्रेक करके क्या लाना चाहते हैं पता नहीं है, कहीं किसी का तकलीफ तो नहीं हुआ, 90 ईयर्स हो गया आपका असेंबली चल रहा है उसमें तो कहीं किसी का तकलीफ नहीं हुआ, आपका क्या तकलीफ है इसमें? आप लोग तो असेंबली के अंदर में आपको सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको देखना चाहिए, आपको हक जो है हर आदमी का रिलीजियस फेथ है उनको प्रैक्टिस करने का उसका हर आदमी का होता है ना, दिल चाहता है, लेकिन आप तो हम लोग का दिल तोड़ दिया, ये सही नहीं किया है। और आप क्या करते हैं अंदर में जो खाना वाना जो बनाते हैं इस असेंबली हाउस में जो खाना देते हैं अच्छी की बात है, ये तो खाना हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन आप लोग उधर भी पोर्क भी रखते हैं, ये तो हम लोग का सेंटिमेंट होता है भाई, पोर्क क्यों रखते हैं आप लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप तो धीरे 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 आप सब कुछ हटा रहे हैं, आपको पॉलीगामी था वो भी आप हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स उसको भी आपको हटा दिया, अभी क्या बाकी है भाई? जमीन थोड़ा था हम लोग का, वो जमीन जब हम लोग जो टाउन में ना आ पाए कहीं भी आप जा नहीं सकते, मुसलमान को कितना आप सताएंगे, सता करके एक दिन तो आप खुद सता में पड़ जाएंगे, ऐसा हो रहा है। ऐसा तो सीएम बहुत चला गया भाई, आगे आप देख लीजिए, आप भी 5 साल चल रहे हैं, अभी 3 साल चल रहे हैं, अगले के बारे में आप सोचिए, हर आदमी आपका ऊपर में विश्वास है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है उसमें आपको सारे को आपको समान इक्वली दिखना चाहिए, लेकिन आप तो इक्वली नहीं दिख रहा है, ये सही नहीं कर रहा है, सारे हिंदुस्तान आपको देख रहा है और हिंदुस्तान का आदमी आपको नफरत कर रहा है, अभी आप सोच लीजिए अब क्या करना है। लेकिन आप जो नमाज के लिए जो आप टाइम जो हम लोग था वो जो आप उड्रन कर दिया, कोई बात नहीं, हम नमाज को उड्रन नहीं कर सकते, हम तो यहां से आप टाइम उड्रन हम लोग नहीं रहेंगे उस टाइम में, हम लोग डिवाइस नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, तो पहले होना चाहिए, कोई हम लोग को तकलीफ नहीं है, हम तो नमाज पढ़ के आ रहा हूँ भाई, अभी क्या तो तकलीफ है उसमें, आप नमाज पढ़ने में आप रुक नहीं सकते, ये बात ख्याल रखिए, हम अंदर ही बैठ के हम लोग का नमाज अदा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जो आदमी के सामने नमाज नहीं पढ़ सकते, हम खड़ा होकर भी नमाज कर सकते हैं, उसमें क्या है? आप जितना रूल्स लाए जितना बिल लाए, लेकिन आप तो कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान का या आसाम का आदमी हर कम्युनल नहीं है, वो लोग कम्युनल को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आपका ऊपर में आदमी का धीरे धीरे गुस्सा ज्यादा हो रहा है, आप भड़काने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आदमी धीरे धीरे समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक दिन आ जाएगा आपका भी कहां रहेगा, आप खुद चिंता करेंगे आप कहां से कहां गिर गया। देखिए अभी मैंने देखा हिमंत बिश्व शर्मा आसाम के चीफ मिनिस्टर ने जो कहा कि अब जो असेंबली में 2 घंटे की इजाजत मिलती थी जुम्मा के दिन मुसलमान एमएलएस को नमाज पढ़ने की वो रद्द की गई। मेरा ये मानना है कि सरासर संवैधानिक है, ये राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का उल्लंघन है और ये प्रथा 1937 से चली आ रही है वहां पर, अचानक से क्या हो गया आपको? देखिए पहले भी बोल रहे थे आज फिर मैं बोल रहा हूं कि जो बीजेपी सरकार है और हिमंत बिश्व शर्मा जैसे जो मुख्यमंत्री है ये खुली तौर से मुसलमानों के दुश्मन है, ये एंटी मुस्लिम सरकार है, इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे कपड़े पहनने से नफरत, हमारे मदरसों से नफरत, अब नमाज से नफरत है, आड़े दिन हिमंत बिश्व शर्मा कुछ ना कुछ अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं उसमें सब, इन्होंने नमाज का ये कर दिया। अरे अगर 2 घंटे में मुसलमान इंसान चाहता है जुम्मा के दिन एक दिन हफ्ते में और नमाज अगर उसने अदा कर दी, नमाज अदा करके आ गया तो कौन सा ऊंट पहाड़ गिर जाता है? अरे इतनी बार जो सदन है आगे बढ़ जाता है, आज नहीं चलने दिया, आज तब कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं, नमाज की ही तकलीफ है। ये साफ दिखाता है कि भाजपा सरकार डेवलपमेंट विकास तमाम मुद्दों में फेल हो गई है, बेरोजगारी खत्म करना उनको आता नहीं है, इसीलिए सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर आ गए कि किसी भी तरह मुसलमानों को गाली बको, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, पोलराइज करो सिचुएशन को और अपनी सियासत को चमकाते रहो। तो मैं कहूंगा टोटल असंवैधानिक है, ये राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का भी उल्लंघन है और हमारा जो देश सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म की दुहाई देता है उसके भी विरुद्ध है। और मोदी जी तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो ये क्या सबका साथ हो गया? आप एक ही समुदाय को टारगेट करोगे, उनको प्रैक्टिस जो रिलीजन करते हो उनके बीच में आप अपनी टांग अड़ा दोगे, तो कहां से सबका साथ हुआ ये मोदी जी? जवाब दीजिए आप इस बात का।